मुरादाबाद जनपद के रामलीला मैदान में कांग्रेस और महान दल की संयुक्त आभार सभा में महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने विवादित बयान दे डाला। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य अपने समाज के लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करते समय ये भी भूल गए कि उन्होंने पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के प्रत्याशी को भी वोट देने की अपील कर डाली। केशव देव मौर्य के इस बयान के बाद मंच पर बैठे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर सहित सभी नेता हक्के बक्के रह गए और बाद में मीडिया को सफाई देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि पाकिस्तान से तो अडवाणी जी और बहुत से लोग आए हैं, उनका मतलब शायद अडवाणी जी से होगा। यदि अडवाणी जी भी कांग्रेस में आए तो हम उन्हें भी चुनाव लड़ाएंगे। ये बात कहते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर वहां से चले गए। दल के समर्थक कांग्रेस के समर्थक तो देंगे ही देंगे, कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो आपका बसपा को देंगे। तो कांग्रेस के समर्थक हाथ मत उठाए, कांग्रेस के समर्थक बैठ गए। महान दल के जो समर्थक हैं यहाँ, वो एक बार फिर मुझे विश्वास दिलाए, प्रत्याशी मत देखना। प्रत्याशी देख कौट दोगे क्या? देख कौट दोगे क्या? देख कौट दोगे? खाली हाथ का पंजा देख लेना, उसी वोट दे देना। प्रत्याशी कोई भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, खराब हो, बाहर का हो, भीतर का हो, पाकिस्तान से भी आके लड़े। महान दल के कार्यकर्ताओं को कोई इतराज सहा मिला और महान दल ने जिस तरह से कांग्रेस समर्थन दिया है बिना किसी शर्त के, और हमारे कांग्रेस के नेतृत्व में उसने कहा है कि हम आपका धन्यवाद देते हैं और हम 22 की सरकार में आपने कुछ मांगो, आपने नहीं मांगा, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि आपकी हिस्सेदारी 22 की सरकार में रहेगी। महान दल और कांग्रेस पार्टी मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, पाकिस्तान से तो अडवाणी जी भी आए थे, है ना? पाकिस्तान से बहुत लोग आए थे, तो जहाँ तक सवाल है उनका मतलब शायद अडवाणी जी से होगा कि अडवाणी जी भी कांग्रेस में आ जाएंगे तो उनको